गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम शेप करेंगे। और कौन सी शेप करेंगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। ये देखो बेटा, ये है हमारी रेक्टेंगल शेप। ये एक आयत है जिसके आमने सामने की जो लाइन है वो बराबर होगी, ऊपर नीचे की लाइन वो बराबर होगी। तो इसमें चारों लाइनें जो होंगी वो चारों बराबर नहीं मिलेगी, सिर्फ आमने सामने की लाइन है वो बराबर मिलेगी। चाहे आप इसको ऐसे कर लें, चाहे आप इसको ऐसे घुमा लें, तो आमने सामने की आपके पास जो लाइन है वो बराबर आएगी। इसे कहते हैं आयत, मतलब रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल शेप का क्या होता है? हमारा मोबाइल। हमारे मोबाइल की शेप क्या है? रेक्टेंगल। और हमारा टीवी का रिमोट, वो भी रेक्टेंगल शेप का होता है। और देखो बेटा, और होता है ब्लैक बोर्ड। हमारा ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, जो भी बोर्ड होते हैं ना स्कूल में, उनकी शेप क्या है? रेक्टेंगल। और क्या होता है? हमारा डोर, हमारा दरवाज़ा, चाहे वो रसोई का हो, घर का हो, गेट हो, स्कूल का हो, कोई भी दरवाज़ा आप देखेंगे उसकी शेप क्या मिलेगी आपको? रेक्टेंगल। हमारी बुक, हमारी कॉपी, कोई भी हमारी बुक होगी, कोई भी हमारी कॉपी होगी, तो उसकी शेप भी आपको कैसे मिलेगी? रेक्टेंगल। जैसे मैडम की है, मैडम की वाली कॉपी देखें, इसकी शेप देखो बेटा क्या है? रेक्टेंगल। ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप की है। तो हमारी जो नोटबुक होती है वो कौन सी शेप की होती है? रेक्टेंगल बुक, नोटबुक हमारी रेक्टेंगल शेप की मिलती है। और ये क्या है? ये है ब्रिक्स, ईंटें। ईंटें तो सबने देखी हैं, ईंटों से हमारे घर, दुकान सब कुछ बनता है ना, तो ईंटों की जो शेप है वो भी कौन सी है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बेटा कैसा होता है, मैंने आपको बताया था, जिसकी आमने सामने की लाइन इक्वल होती है। जैसे कि ब्रिक्स, ईंटें, जैसे बुक, कॉपी, जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड, जैसे हमारा ज्योमेट्री बॉक्स, जैसे मोबाइल, जैसे हमारा रिमोट, जैसे हमारे घर का दरवाज़ा। तो ये सब कौन सी शेप है? रेक्टेंगल। ऐसे भी रेक्टेंगल दिखता है, ऐसे भी आप देख सकते हैं रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल को क्या कहते हैं? आयत। तो आज हमने क्या किया? आज हमने की रेक्टेंगल शेप।